जानते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डायरेक्शन दिया है कि वीकली प्रेस ब्रीफिंग्स हो और हम मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते रहें ताकि आप लोगों को अपडेट मिले। तो इस वीक मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहूँगी अबाउट द इनिशिएटिव जो हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट मिशन ने स्टार्ट किया है इन कोलैबोरेशन विद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्किल सेंटर्स। अगस्त में हम लोगों ने आपको तभी ब्रीफ किया था कि हम कॉलेजेस में स्किल सेंटर्स खोलना चाह रहे हैं। आइडिया ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर स्किल्स का बहुत बड़ा फोकस है और हम चाह रहे हैं कॉलेज में जो हमारे बच्चे हो वो जो भी अपना बैचलर्स ग्रेजुएशन करें उसके साथ साथ स्किल के भी कुछ दे शुड लर्न सम स्किल्स एज वेल। इसीलिए पिछले साल हम लोगों ने पूरा कोशिश किया था कि सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हमारा कोलैबोरेशन रहे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि पहला बैच जो हमारे स्टूडेंट्स का है 689 स्टूडेंट्स चार कॉलेजेस से उन्होंने पहला अपना बैच फर्स्ट सेमेस्टर में स्किल का पहला कोर्स कंप्लीट किया है। हम लोगों ने 15 स्किल सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं अक्रॉस 4 कॉलेजेस और इस कॉलेज में हम लोग ने जीडीसी कारगिल का जो सांगो कैंपस है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अराउंड 10 डिफरेंट स्किल्स हैं जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, पिकल मेकिंग है, ब्यूटी थेरेपिस्ट है, योगा इंस्ट्रक्टर है। सो इन सब स्किल्स में बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इन सब सारे स्टूडेंट्स को जो भी ये स्किल कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको एक स्किल कोर्स के लिए 3 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो आगे से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हर साल हर सेमेस्टर में बच्चे स्किल कोर्सेज लें, क्रेडिट्स अर्न करें और जो सर्टिफिकेट उनको मिलेगा स्किल कोर्सेज पे दैट विल बी रिकग्नाइज अक्रॉस द कंट्री। और एक और खुशी की बात है कि जीटीसी कारगिल का जो स्किल सेंटर है उन्होंने विंटर्स में ये नॉन स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्किल सेंटर खोला है और इसमें अराउंड 47 बच्चों ने रजिस्टर किया है, 27 फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड अराउंड 26 फॉर हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो है जो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का होगा उसमें जो भी यूथ आए हैं उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स। अभी आप लोगों को पता है बच्चों ने काफ़ी स्टूडेंट्स हैड बीन अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप और उनके कुछ इश्यूज भी थे जो उन्होंने रेज किए थे सोशल मीडिया पे, कुछ मेरे को भी लेटर्स आए थे। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो स्कॉलरशिप पोर्टल खुला है वो अब फाइनली लास्ट एक्सटेंशन उनका 31 जनवरी तक का हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी के मिसिंग थे, किसी के आधार लिंकिंग नहीं था, सो उसको कीपिंग दैट इन माइंड द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st ऑफ जनवरी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब बच्चों से इसके बाद एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लोग रजिस्टर कर ले पोर्टल पे। मेरे डेटा के हिसाब से अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं इस साल जो आई थिंक एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है अभी तक का और हम एक्सपेक्ट करें कि अगले एक हफ्ते में कुछ और स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस आएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक स्कीम जो है पेंशन रिलेटेड उसके बारे में भी मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी। लद्दाख में 2 पेंशन स्कीम्स हम लोग चला रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और दूसरा हमारा स्टेट का है ISSS के अंडर। सो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर 8,000 लोगों को हम बेनिफिट देते हैं पेंशन का जिसमें ओल्ड एज, विडो पेंशन और पर्सन विद डिसेबिलिटी। और जो हमारा स्टेट स्कीम है ISSS उनमें भी सिमिलरली हम लोग ओल्ड एज लोगों को वुमेन इन डिस्ट्रेस, नीड नॉट बी विडो, दे कैन बी सेपरेटेड, डिवोर्सी और एनी वुमेन इन नीड और पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो हम लोगों का NSAP के अंडर बेनिफिशरीज अप्रॉक्सीमेटली 8,000 हैं और 10,000 हमारे जो बेनिफिशरीज हैं वो स्टेट स्कीम ISSS में हैं। अभी 1 जनवरी से हम लोगों ने जो हमारे पेंडिंग एप्लीकेशन थे 900 एप्लीकेशन थे, अराउंड 450 लद्दाख ले से एंड अराउंड सेम 400 करगिल से, तो उनको भी हमने क्लियर किया है। सो 900 एडिशनल एप्लीकेशन इस साल हमने क्लियर किए हैं। तो अब मैं अज्यूम करती हूँ कि हमारा कोई पेंडिंग एप्लीकेशन एज ऑन डेट नहीं है, अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर और एप्लीकेशन आएंगे तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली अभी हमारे 19,000 बेनिफिशरीज हैं अंडर दीज 2 पेंशन स्कीम्स। और रिसेंटली आप लोगों को पता होगा स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम भी हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है जिसमें एक बहुत मेजर जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो एप्लीकेंट, चाहे फीमेल बेनिफिशरी हो या वो अगर किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी से शादी कर रही हैं तो जो असिस्टेंस मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम दैट हैज बीन इंक्रीज टू 1 लाख। बाकी वुमेन के लिए हु बिलोंग्स टू
प्रायोरिटी हाउस होल्ड या अंत्योदया AAY हाउस होल्ड में, तो उनको 50,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट दोज विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए ये स्कीम का जो अमाउंट है दैट इज बीन इंक्रीज टू 1 लाख। मैम ITI के जब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो एडमिशन ले रहे हैं ITI, ओके, तो उसमें ये भी एक इशू ये रहा कि जिसे थोड़ा और एक्सपेंशन की जरूरत है, क्योंकि SSC में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस किए जा सकते हैं जो सर्टिफिकेट SSC के टाइम पे यूज हो सकते हैं, तो उस पर किस तरह के आप प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि उसकी डिमांड थी, तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ले ITI में ऑलरेडी डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी SSC में, जो हम कहते हैं सर्टिफिकेशन। सो इसके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स हमने स्टार्ट किया। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहेंगे डिमांड के हिसाब से। जो लॉन्ग टर्म इनका ट्रेड है, जैसे 1 साल या 2 साल का ट्रेड होता है ITI में, उसको स्टार्ट करने के लिए एक डिसीजन लेने के लिए अप्रूवल LG का चाहिए होता है। बट आप लोगों को जैसे पता है, पिछले 2022 में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे 2 ट्रेड्स, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर का, क्योंकि यहाँ की डिमांड थी और स्कोप भी बहुत ज़्यादा था। तो अभी हम इस साल भी हम एक कमेटी बैठ के एग्जामिन करें कि कौन सा हम लोग ट्रेड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर छुसपिल साहब ने सजेस्ट किया था कि हम लोग ड्राफ्ट्समैन का क्यों ना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत से यंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, इतना सारा हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर ड्राफ्ट्समैन का हम कुछ कोर्स स्टार्ट करें, सर्टिफिकेट कोर्स 3 मंथ्स का, तो उसका ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से जो आएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट करने में कोई इशू नहीं है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अगर करना है उसके लिए हमें क्लियरेंस मिनिस्ट्री से चाहिए होता है, DGT से, MSDC से, तो दैट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर। जैसे पॉलिटेक्निक में मैंने आप लोगों को शायद ब्रीफ किया था लास्ट टाइम, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा स्टार्ट कर रहे हैं, उसका अप्रूवल LG सर से आ गया है। नाउ वी हैव टू टेक क्लियरेंस फ्रॉम AICTE, क्योंकि NOC AICTE से एफिलिएशन के लिए अप्रूवल आना चाहिए। तो वो अगर वो हो जाएगा तो पॉलिटेक्निक ले में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स स्टार्ट होगा। उसको किस तरह से लोगों में अवेयरनेस किया जा सकता है, क्योंकि काफी लोग इंटरेस्टेड भी है। देखिए, सोलर का कोर्स जो यहाँ पे NSTI ने स्टार्ट किया है, दैट इज अ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, जिनको हम लोगों ने स्पेस दिया है पॉलिटेक्निक ले में, ताकि वो वहाँ से कोर्स स्टार्ट करें। ये कोर्स स्टार्ट होके भी 1.5 साल हो चुका है, तो कुछ चैलेंज रहा है उनका, एनरोलमेंट कम रहा, और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि हम पब्लिसाइज करें। NSTI ने भी इसको पब्लिसाइज करने की कोशिश की है। द थिंग इज कि किसी भी स्किल कोर्स में एक आइडियल स्ट्रेंथ होता है 25 to 30, उसे ज़्यादा लेंगे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ थ्योरी क्लास, इट्स अ प्रैक्टिकल क्लास। सो उनका स्ट्रेंथ एट अ टाइम 30 ही रहेगा, बट यस, वो 30 में भी शायद कमी है, पूरा 30 शायद वहाँ पे अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। सो एक मीटिंग मैं ले चुकी हूँ उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और उन्होंने अश्योर किया था कि इस साल जो एडमिशन होगा वो दैट विल बी फुल एडमिशन दिस ईयर, क्योंकि वो काफ़ी पब्लिसाइज करेंगे। और मुझे लगता है, देखिए, अगर बच्चे नहीं आते हैं, थोड़ा हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या रीज़न है। एक बार हो सकता है इन्फॉर्मेशन की कमी हो, और क्या एक्सेस हो सकता है इशू हो कि वहाँ तक जाने के लिए क्या गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं। सो वो सब चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे, बट यस, पब्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक मीडिया विल बी अ गुड पार्टनर फॉर अस टू पब्लिसाइज एनी सच कोर्स। ITI के इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह से ध्यान दिया जाएगा? ठीक है, ITI में आप लोगों ने लेटेस्ट कब आपने विजिट किया ITI? तो एक्चुअली हम लोगों ने आई थिंक मोर देन 60-70 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ITI में। अगर आपने देखा होगा, ले में बहुत से बिल्डिंग नए आ रहे हैं। एक ITI को वाइब्रेंट होने के लिए ज़रूरी है कि उनके वर्कशॉप्स बहुत अच्छे हों और लेटेस्ट इक्विप्ड हो। अब हम लोग इक्विपमेंट के लिए फंड्स, अच्छे फंड्स हैं हमारे पास, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इसीलिए पिछले 2 साल हम लोगों ने इसी पे फोकस किया कि वर्कशॉप बने। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर आपने भी जाके देखा होगा। और ITI ले का जो कैंपस होगा, मुझे लगता है आप लोग सब जब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जब आप लोग विजिट करेंगे, एवरीबडी विल बी प्राउड। इट इज़ एन एस्पिरेशनल कैंपस, कि ITI के बच्चे भी दिल बी हैप्पी टू गो टू दिस कैंपस। हम लोगों ने लैंडस्केपिंग भी किया है, कैफेटेरिया, ओपन एयर थिएटर, वो सब करके, और बिसाइड्स दैट जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि लेबॉरेटरी, वर्कशॉप्स, क्लासरूम, ये बिल्कुल अपडेटेड, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। आप लोग, आई थिंक इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एज फार एज ITI करगिल की बात है, देखिए, ITI करगिल में बहुत चैलेंज है कि स्पेस बहुत कम है वहाँ। जितना भी हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपैंड। अब उसी लिमिटेड एरिया में कुछ कुछ फिर भी इम्प्रूवमेंट रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट लास्ट वीक आई हैड
कॉल्ड ऑन द ऑनरेबल चेयरमैन LAHTC कारगिल, और उन्होंने अश्योर किया कि दे विल प्रोवाइड सम गुड स्पेस, गुड लैंड फॉर शिफ्टिंग ITI कारगिल, क्योंकि ITI कारगिल अगर हमें एक नया लैंड मिलता है, अगेन एज जो मैं कहती रहती हूँ, इट विल बी अ मॉडल ITI, हम लोग ऑलरेडी उसके डिजाइन पे काम कर रहे हैं, और अगर लैंड इस साल मिलता है तो काम शुरू हो सकता है इस साल। मैम, ये जो सोशल वेलफेयर के थ्रू जो पेंशन स्कीम्स मिल रहे थे उसमें बहुत सारे पेंडिंग रह जाते थे क्योंकि एक कोटा फिक्स हुआ था, तो अभी कोई कोटा नहीं होगा, जो रिजर्व में होगा उसको मिल जाएगा। देखिए, पहले ऐसा था कि कोटा फिक्स होता था थोड़ा JNK के साइड से भी, क्योंकि JNK इज अ बिग स्टेट, तो वहाँ पे लद्दाख के लिए कुछ कोटा रखा जाता था, और नेशनल लेवल पे तो कोटा रखा हुआ अभी भी, बट हम लोगों ने नेशनल लेवल पे भी बात की है, क्योंकि एज आई सेड की दो स्कीम्स हैं हमारे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर, लद्दाख के लिए कोटा रखा हुआ है। मिनिस्ट्री से जब भी हमने बात की, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, हम कोटा बढ़ा देंगे, बट अभी तक कोटा बढ़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा स्टेट स्कीम है और एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेलफेयर कॉन्शियस, तो इस बार जो हमारे 900 एप्लीकेशन से वो सारे क्लियर हो गए, तो स्टेट बजट से जो भी नए बेनिफिशरीज आ रहे हैं हम उनको स्टेट बजट में डाल रहे हैं। बट हम लोग फिर भी नेशनल लेवल पे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि कोटा इंक्रीज हो, क्योंकि कोटा इंक्रीज होने की ज़रूरत है।